राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे। इसी के साथ ही मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज के बीच हुई इस मुलाकात का वीडियो ट्विटर पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही मोहन भागवत अंदर प्रवेश करते हैं तो आश्रम के आचार्य मोहन भागवत का परिचय प्रेमानंद जी महाराज से कराते हैं और संघ प्रमुख महाराज को पीला दुपट्टा उड़ाकर उनका सम्मान करते हैं। इस आध्यात्मिक भेंट के दौरान भागवत कहते हैं कि मैंने आपकी बातें वीडियो में सुनी थी तो लगा कि दर्शन कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच संवाद भी हुआ। इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपने लोगों का जन्म सिर्फ सेवा के लिए हुआ है, व्यवहारिकी और आध्यात्मिकी सेवा। ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य हैं। हम भारत के लोगों को परम सुखी करना चाहते हैं तो सिर्फ वस्तु और सेवा से नहीं कर सकते हैं, उनका बौद्धिक स्तर सुधारना हमारा कर्तव्य है। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है, यह बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, पर उनके हृदय की मलिनता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, अपवित्र बुद्धि है, जे जब तक ठीक नहीं होगी तब चीजें नहीं बदलेंगी। इसी के साथ ही डॉक्टर मोहन भागवत ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मैंने 3 दिन पहले नोएडा में एक संबोधन के दौरान यह बात कही थी, आप लोगों से जो सुनता हूँ वही बोलता हूँ और वही करता हूँ। अब आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज के ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।